सो है व्हाट्सअप गाइस यार, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सो गाइस आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज। सो गाइस पिछला एपिसोड में आपने देखा था कि मैंने घर बना लिया, तो सो गाइस जो आधा घर बना था वो मैंने बना लिया और गाइस अब घर बहुत ज़्यादा बढ़िया बन चुका है। सो गाइस आप तैयार हो देखने के लिए? सो गाइस सब्सक्राइब मारना होगा अगर अच्छा लगे तो। यार देखो सो गाइस ये लग नहीं रहा है ना, सो गाइस मैंने इसे ऐसे बना दिया। सो गाइस ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, इसमें हमारी दो दो बालकनी है। सो गाइस यार अगर आपको अच्छा लगा हो तो यार सब्सक्राइब करके ही जाना और गाइस आपके लिए एक और सरप्राइज है। सो गाइस साइड में देखिए गाइस, ये आप सोच रहे होंगे कहाँ से आया। सो गाइस जब मैं उधर फूड काट रहा था तो ये मुझे वहीं पे मिल गया था और यार इसे मैंने भाई कितना सारा भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई, मैंने इसे बोट में ना बहुत देर तक रखा और मैंने भाई बहुत मेहनत से वो लाइट करी थी। तो यार मैं अब फिशिंग भी करने लग गया हूँ, कहाँ गया तो यार देख सकते हो यहाँ पे मैं फिशिंग भी करने लग गया हूँ और यार यहीं पे है। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे हमारी ओकवुड की बोट भी बन, डार्क ओक की। और गाइस सबसे स्पेशल चीज़ वे कहाँ रखी थी यार? हाँ गाइस ये देखिए बढ़िया सा बो मिल चुका है मुझे फिशिंग करते हुए, अगर इस पर इन्फिनिटी लगा होता तो यार बिल्कुल ख़तरनाक बन जाता। सो गाइस देख सकते हो हमारा ये हमारा तीसरा एपिसोड है और इसी में हमें एन्चेंटिंग चीज़ें मिलनी शुरू हो गई। सो गाइस यार आज की इस वीडियो में ना हम फार्मिंग करना शुरू करने वाले हैं और फार्मिंग करने से पहले मैं अब आपको और चीज़ें भी दिखा देता हूँ। और अबे गाइस मैं ये आयरन लेके आया था यहाँ पे खाई से, आपको तो पता है कितनी बड़ी बड़ी खाई है यहाँ पे, तो यार मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस अभी मैं सबसे पहले मैं बकेट बनाने वाला हूँ। बकेट कैसे बनेगी? तो यार मैं दो बकेट बना लेता हूँ, आयरन इतना ज़्यादा भी नहीं है मेरे पास, मैं इसका इन्फिनिटी वाटर सोर्स बना दूँगा। तो यार आयरन में अलग, अरे फेंक क्यों दिया यार, ऐसी वैसी चीज़ नहीं आयरन। तो यार मैं अब आर्मर भी, और गाइज आप सोच रहे होंगे गोल्ड की इंकट कहाँ से आई? तो गाइज ड्राउन नेट से मिली है, उसके हाथ में थी तो यार मैंने उसे मार दिया क्योंकि मैं फिशिंग कर रहा हूँ। और गाइज मैंने फेंस पहले से ही बना के रखी है क्योंकि जब मैं घर बना रहा था मैं सोच रहा था इन फेंसों को यूज़ करूँ, तो यार मैंने सोचा इसे फार्मिंग में यूज़ कर लूँगा। सो गाइज अभी भी मेरा काम तो हो चुका है और मैं ज़रा अब मुझे भाई मैं दोनों रखने वाला हूँ अपने साथ क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो यार अब हमारा काम तो हो चुका है और मुझे थोड़ी सी वुड भी चाहिए क्योंकि मैं अपने घर के पास में ही इन्फिनिटी सोर्स बनाने वाला हूँ वाटर का। तो यार अभी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो यार अभी सब्सक्राइब कर दो। और यार मुझे बिल्कुल भी रात को निकलना नहीं है, देखता हूँ सूरज कहाँ है, अभी तो सर पे मतलब दोपहर हो रही है तो यार बहुत जल्द रात भी हो जाएगी, बहुत आसानी से हो जाती है यार, बहुत ज़रा सा टाइम लगता है। तो यार अब से गाइस मैंने यहाँ पे शुगर कैन की भी फार्मिंग करनी शुरू कर दी है क्योंकि आगे जाके हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। और गाइस जितने भी उगते हैं तो मैं उन्हें उगाता जाता हूँ इस रिवर पे। सो गाइस अभी मैं इन्हें काटने नहीं वाला, पूरा उगने दो। तो अब मैं ज़रा इन्फिनिटी सोर्स बना लेता हूँ जाके, और मैं सोच रहा हूँ इन्फिनिटी सोर्स घर के पास, यार लुक ख़राब हो जाएगी शायद से, नहीं यार लुक कहीं नहीं हो रही ख़राब, मैं इसे बाद में हटा लूँगा क्योंकि यार अभी तो फार्मिंग चल रही है तो यार इसलिए ये तो रखना ही पड़ेगा। और गाइस आप भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, तो यार मेहनत को समझ के यार सब्सक्राइब करके जाना। और यार अब मैं जल्दी से इन्फिनिटी सोर्स वाटर बना लेता हूँ, अब मैं इन्फिनाइट टाइम्स वाटर निकाल सकता हूँ वरना तो मुझे नदी में ही जाना पड़ता था पानी निकालने। तो यार अब मैं कोपलस्टोन जनरेटर भी बनाने वाला हूँ, वैसे भी यहाँ पास में ही लावा की पूरी नदी सी बह रही है। तो यार अभी फार्मिंग को करने से पहले मैं पहले साइज़ देखने वाला हूँ, तो मैं थोड़ी दूर बनाऊँगा भाई, बिल्कुल घर से नहीं जोड़नी है। तो यार फेंस लगा रहा हूँ मैं सबसे पहले क्योंकि यार ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यार, और गाइस हम अगली वीडियो में एनिमल्स को भी लेके आ जाएंगे क्योंकि उनकी भी फार्मिंग करनी है जिनसे हमें मिल्क वगैरह मिलेगा। और बे यार ये मैंने गलत क्यों लगा दी भाई, तो अभी मैं अभी तो इतनी फेंस लगाऊंगा और 10 इधर लगा दूंगा शायद। सो गाइस अब हमारा बहुत ज़्यादा, अब हमें खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि भाई हम यहाँ पे फार्म बना रहे हैं जिससे हमें वीट वगैरह मिलेगा जिससे ब्रेड बन जाएगी। तो यार इतना साइज़ तो सही है भाई फार्मिंग के लिए। तो यार अब मैं जल्दी से ये फेंस लगा लेता हूँ। और यार यहाँ पास में एंडरमैन है यार, मुझे इसकी आँखों में बिल्कुल भी नहीं देखना। और यार मैं बस वीट ही उगा सकता हूँ और कुछ उगा भी नहीं सकता,
क्योंकि मेरे पास और किसी चीज़ के सीड नहीं है। तो यार मुझे विलेज ढूंढना होगा, तभी वहाँ से मुझे सीड मिलेंगे, जिससे मैं कैरेट पोटैटो सब कुछ उगाने लग जाऊँगा। तो यार हम अगली वीडियो में तो नहीं जाने वाले, मैं सोच रहा हूँ ऑफलाइन ले आऊँ, पर यार आपके सामने लाऊँगा ना तो सही रहेगा, वरना आप मुझे बोलोगे कि भाई अब कहाँ से आ गए हैं। तो यार अब तो फेंस गेट एक सही है, एक गेट मैं पीछे को लगाऊंगा। तो यार फेंस गेट अब इधर लगाने वाला हूँ। तो यार अब सही है, देखो अब पूरा सही है। तो यार देखो अब मैं एक एक जगह पे ऐसे पानी करूँगा, तो अब मैं थोड़ी दूर तक फार्मिंग कर सकता हूँ। और गाइस देखिए मिट्टी भी गिल्ली होती जा रही है, तो यार ऐसी हमें फार्मिंग करनी होगी, तभी हमें फूड मिलेगा। और गाइस मैंने थोड़े से सीड भी है मेरे चेस्ट में, तो यार वो लगा दूंगा मैं, आके वीट उगने शुरू हो जाएंगे। तो यार अभी नहीं लगा रहा मैं, पहले पूरा काम ख़त्म कर लेता हूँ, वरना तो टाइम बर्बाद हो जाएगा अगर मैं सीड लेने जाऊंगा। तो यार अब मैंने इधर लगा लिया। अब मैं यार, तो यार चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करके ही जाना। और यार मैं इन पानी को भी बंद करने की सोच रहा हूँ, पर यार चिंता ही कोई बात नहीं है, हम पानी में अगर बंद करना होगा तो देख लेंगे। भाई अब मैं जरा मैं पानी ले के आता हूँ। और मेरी हंगर बार अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं करने लग गया हूँ फिशिंग, क्योंकि यार उसमें भी हमें बहुत कुछ मिलता है, शायद हमें वो भी मिल जाए अगली बार कोई बढ़िया सा। तो यार इसलिए अब मैं फिशिंग करके ही खाना लाऊंगा। और अब तो फार्मिंग भी शुरू हो रही है, जैसे एनिमल फार्मिंग और याली फार्मिंग हो जाएगी, तो यार फिर हमें फूड की ज़्यादा कमी नहीं होने वाली। तो यार इसी बात पर सब्सक्राइब मार दो यार। और यार अब मैं आराम से देखता हूँ यहाँ पे। तो यार लो अब हमारा यहाँ बस एक बकेट पानी करना है शायद से। तो यार अब मेरा काम तो हो चुका है यार, और देखो रात भी होने वाली है, तो मुझे निकलना होगा। भाई मैं रात को बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहता, बहुत बुरे वाले स्पॉन हो जाएंगे। ओ यार मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं निकल रहा हूँ, वरना यहाँ पे मैंने टॉर्च भी नहीं लगाई। और मैं जल्दी से सो के आता हूँ। और यार मेरा यहाँ पे डॉगी भी आए, अगर एक और डॉगी आ गया ना फिर मैं डॉग आर्मी बनाने लग जाऊँगा, जिससे अब फिर डर नहीं लगने का, घर के बाहर ही बैठा दूंगा। तो यार अभी रुक जाओ, रात होने वाली है, तो यार थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि रात हो और मैं जल्दी से सो जाऊँ। और मैं बिल्कुल भी दिन रात में काम नहीं करने वाला, क्योंकि यार आपको तो पता है मेरे पहले एपिसोड में ही बहुत ज़्यादा बैंड बज गई थी मेरी। और लो यार रात हो चुकी है, अब मैं जल्दी से सो के ना अब मैं घर में आ ही चुका हूँ। तो यार मैं जल्दी से वो लेने वाला हूँ सीड्स, ऊपर होंगे सीड। कहाँ है यार सीड, मैंने यहीं कहीं पे रखे होंगे, हाँ ये रहे सीड। तो यार मैंने कलेक्ट करे थे। और यार फेंस और ज़्यादा बची है, तो यार इसे एनिमल फार्मिंग में लगा देंगे, और उसमें भी कमी पड़ सकती है तो मैं लगा दूंगा। और यार जरा मैं दूर, और गाइस यहाँ पे वेंडिंग ट्रेडर आ चुका है, पर यार अभी मुझे इससे कुछ नहीं करना भाई। तो यार ये जो ट्रेन की आवाज़ आ रही है, तो यार इसे इग्नोर कीजिएगा। और यार मुझे अभी इसका काम नहीं है इतना, और जरा मैं अब आराम से कर लेता हूँ, क्योंकि अब फार्मिंग हमारी बस हो गई है, सारा काम हो चुका है। और यार ये जो है ना वेंटिंग ट्रेडर, इसे मैं अभी मारूंगा नहीं, बस इसकी लीज ले लूँगा किसी ना किसी तरह। और सबसे पहले मैं बकेट ऑफ वाटर बस दो बार और चाहिए। तो यार ये इन्फिनिटी सोर्स को मैं हटा दूंगा बाद में, फिर कोबलस्टोन जनरेटर भी बनाना है यार हमें, आज ही बनाऊँगा, क्योंकि अभी टाइम है बहुत। और अब हमारा यहाँ से छेद होएगा। तो यार अब मैं आराम से यहाँ पे पानी भर देता हूँ, और अब मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है,
बस अब इधर आए एक बार, फिर हमारा सारा काम हो जाएगा और अगली बार से हम फार्मिंग एनिमल की शुरू कर देंगे और उससे हमारा सब कुछ काम होने वाला है। तो यार अब बस क्या करना है, बस ये कर देना है। तो लो यार सब कुछ हो चुका है और अब मैं अपने वीट लगा देता हूँ, मतलब अभी तो ये सीड है, फिर वीट रूप बन जाएंगे। ओके मैं लाइन बाई लाइन, और गाइस ये भाई वीट उगते ही हमें इन्हें इनकी सीड और ज़्यादा मिल जाएगी, जिससे हम अपना फार्म में बहुत ज़्यादा वीट उगने लग जाएगा। और देख सकते हो गाइस, और अब हमारी तीसरी लाइन भी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और बस अब बस थोड़ी सी होएगी। तो यार अभी तो इतना ही हुआ लेता हूँ। और गाइस अब मैं अपना वो क्या कहते हैं, देखो यार अब हमारा फार्म बन चुका है और अब ये तो उग लेगा, उग जाएगा खुद, फिर मुझे और ज़्यादा सीड मिल जाएंगे। तो यार अब मैं अपना अगला काम करता हूँ जो है कोबलस्टोन जनरेटर बनाना। तो यार अब मैं इसे काटता हूँ। तो यार अभी सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यार आगे चल के बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। और गाइज मैं इस साइड ही एनिमल फार्म बनाने की सोच रहा हूँ, तो यार आज नहीं बनाएंगे, अगले एपिसोड में बनाएंगे। तो यार अभी तो मैं कोबलस्टोन जनरेटर बना रहा हूँ क्योंकि मुझे यार माइनिंग करने जाना ही नहीं है कोबलस्टोन की। तो यार मैं यहीं से तोड़ लूँगा ना सही रहेगा। और यार मैं ज़रा इसी डर्ट को भी तोड़ लेता हूँ। और यार मैंने एक बकेट ऑफ वाटर तो लेना ही चाहिए था। तो यार अभी रुक जाओ, मैं बस एक बकेट ऑफ वाटर लेके आता हूँ। फिर यार अपना बस यार 100 सब्सक्राइबर पूरे करवा दोगे तो भाई हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यार अभी सब्सक्राइब का बटन नीचे लाल कलर का आ रहा है, उस पर पत्थर मारो यार, चप्पल मारो, बस यार बस दब जाना चाहिए। और यार देखो अब हम धीरे धीरे हमारा अब ये धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाएगी भाई, हमारा ये जो पूरी सिटी है ये सिटी बन जाएगी। अभी तो भाई हमारा यही एक घर है, फिर आगे चल के बहुत कुछ हो जाएगा। और यार अब यार यहाँ पे और यहाँ पे मुझे बच के रहना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे लावा मिल चुका है और मुझे इसके साथ खेलना नहीं है। और कोबलस्टोन जनरेटर में बना लेता हूँ भाई, घर के साइड में बिल्कुल भी नहीं बनाने वाला, मैं यहीं पे बना लूँगा। ढक दुआ गाइज, आप चिंता मत कीजिए। तो लो गाइज हमारा कोबलस्टोन जनरेटर तो बन चुका है, बस मुझे यहाँ पे छेद करना है जिससे मैं अंदर बैठ जाऊँ। और अब मुझे क्या करना है, लावा और पानी का बंद कर देना। और यार मैंने ज़्यादा आगे की उत्तरी बना दिया, अरे यार चिंता ही कोई बात नहीं है, ये यहीं पे बना रहने दो। और अब मैं जल्दी से मैं जाने वाला हूँ, और मेरे पास पिकैक्स तो होगी यार, मैं इसे माइन करके लगा देता। चलो यार वापिस चलते हैं। तो यार मैं सोच रहा हूँ मैं मॉब स्पोनर भी बना लूँ, मतलब स्पोनर नहीं मतलब एक्सपी फार्म। तो यार उससे हमें रोटन फ्लैश हड्डी वगैरह सब कुछ मिलेगी। तो यार नहीं अभी नहीं बनाने के क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल लगने वाला है। तो यार अभी मैंने कोबलस्टोन थोड़े से माइन कर लिया है, तो गाइस देख सकते हो अभी मेरे पास कोबलस्टोन आ चुके हैं। और गाइस अब हमें अभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। और यार फिर से जाना पड़ेगा अंदर। सो गाइस आप बताना आपको घर कैसे लगा, इसकी फाइनल लुक अभी मैंने आपको सही तरीके से नहीं दिखाया क्योंकि यार अभी काम था। तो यार अब हमारा काम तो हो चुका है, बस मुझे इसकी स्लैब बनानी है, बस अब हो चुका है। और आराम से बस इतने आराम से कर लेता हूँ। तो यार अब हमारा कोबलस्टोन जनरेटर से मैं मरने नहीं वाला। तो यार एक बार और माइनिंग करके देख लेता हूँ कभी ये ऑब्सिडियन बन जाए। नहीं सो गाइस अब देख सकते हो हमारा कोबलस्टोन जनरेटर ऑलमोस्ट बन चुका है, मतलब सारा ये बन चुका है। तो यार देखो हमारी फसलें भी उगनी शुरू हो गई। और यार वेंडर ट्रेडरों को मार दूं,
चूल्हा यार मार देते हैं भाई वेंटिलेटर को, नहीं इसके लामा को मारेंगे भाई। वेंटिलेटर को यहीं पे घूमने दो हमारे, इससे गाइस मुझे लेदर भी मिल सकता है। अरे यार ये पागल पागल। तो यार देख सकते हो अब मेरे पास 4 लीड हो चुके हैं। तो यार एनिमल फार्मिंग में ये भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी मेरे पास कैरेट वगैरह नहीं है जिससे मैं वो ला सकूँ पिक्स वगैरह। तो यार अभी तो हमारा काम हो चुका है, अब मैं ज़रा सामान वापस रख देता हूँ और बकेट भी वापस रख देता हूँ। तो यार अभी मैं सारा सामान वापस रख रहा हूँ, क्योंकि अब मैं अगले काम की तैयारी करने वाला हूँ ऑफलाइन। सो गाइस देख सकते हो अब मैं आपको घर पूरा दिखा देता हूँ। सो गाइस अगर हम सबसे ऊपर जाएंगे तो यार आपको सबसे टॉप वाली बालकनी दिखेगी। सो गाइस यहाँ पे हम कभी भी आ सकते हैं जब भी देखना। सो गाइस मैंने ये पता है ऊपर क्यों बनाई, क्योंकि इसमें रेड होती है ना पिलेजर वगैरह की, उन्हें मारने के लिए, क्योंकि यार इस हाइट पे मारूँगा तो वो मुझे मार सकते हैं, उस हाइट पे नहीं मार सकते। सो गाइस देख सकते हो इधर भी एक बालकनी है और मैंने यहाँ पे पोर्ट भी लगा दिया। अरे गिर कहाँ गया, अच्छा मैंने ले लिया। तो यार मैं और पोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ मेरे पास क्ले है, मैं ब्रिक बना लूँगा। गाइस देख सकते हो यहाँ पे हमारा पूरा स्टोरेज रूम बना दिया मैंने, यहाँ पे सारे में चेस्ट है पर यार अभी खाली है, क्योंकि अभी भी रिसोर्स है नहीं हमारे पास इतने ज़्यादा। सो गाइस यहाँ पे हमारे फर्नेस क्राफ्टिंग टेबल और यार ये, और गाइस इस डॉग का नाम यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या रखूँ। और गाइस देख सकते हो ये पूरा घर है। तो और मैं बाहर से भी दिखा देता हूँ। और गाइस देख सकते हो ये पूरा भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने बनाया। सो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गाइस हमें इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो कीजिए। और गाइस आज वाली वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।